को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप इस धरती के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और अगली बात मैं कहूंगा, यदि किसी कार्य में आप फेल हो रहे हैं तो आप ये देखिए कि कमजोरी कहां रही है, काम में त्रुटि कहां हुई है। कहीं ना कहीं यदि मटका भरते और वो खाली होता है तो उसमें कहीं सोती है, उसमें कहीं छेद है। यदि निष्फल हुए हम तो इसका मतलब है कि सफल होने के प्रयास ठीक से नहीं किए गए थे, इसलिए निष्फल हुए। कहते हैं हमारा बच्चा एक नंबर से रह जाता है, एक नंबर से इसलिए रह जाता है क्योंकि उसका प्रयास पूरा नहीं था। इसलिए यदि उसका प्रयास पूरा होता तो एक नंबर से क्यों रह जाता। तो उस कमजोरी को उसको कहीं खोजिए। और जो योग्यता नहीं है उस कमजोरी को दूर करने के लिए, और आपको पता लग गया है कि एक कमजोरी है, तो योग्य लोगों को खोजिए और उनका संग कीजिए, अंतिम श्वास तक सीखने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई छोटे नहीं होते हैं, सीखने की तो स्थिति होनी चाहिए। वो कथा आती है ना दत्तात्रेय भगवान की, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आप सबको भगवान दत्तात्रेय जी की आज जयंती की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। ये धरती पर माता अनुसुईया ने दत्त भगवान को प्रकट किया था, दत्तात्रेय भगवान जिन्होंने संन्यास परंपरा को बहुत आगे दिया। हम जिस अखाड़े से जुड़े हैं, मेरे महाराज श्री जी को तो आप सब जानते हैं, परम पूज्य प्रातस्मरणीय जूना पीठ के अधिपति हैं। वर्तमान समय में 3 लाख सन्यासियों से ज्यादा, सिरादे मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में मेरे महाराज जी 3 लाख सन्यासियों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर है। उनके बिना साधु समाज में कोई फैसले नहीं लिए जाते। कहीं भी देश में कहीं भी कुंभ हो, मीटिंग उन्हीं की सानिध्यता में होगी, उनके बिना कोई प्रस्ताव पासित नहीं हो सकता। और आनंद की बात यह है कि वो उस अखाड़े के मालिक हैं जो अखाड़ा दत्त भगवान के द्वारा आरंभ किया गया है, जूना अखाड़ा। हम लोग अपनी पूजा में दत्तात्रेय भगवान को पूजते हैं, हमारे भगवान हैं वो अखाड़े के अधिपति हैं, उनकी पूजा होती है, उनकी वंदना होती है, उनका स्मरण होता है। तीनों कालों में हमें जो दुख आपदा और विपत्ति से बचाते हैं, ज्ञान का भंडार भर देते हैं, वह है माता अनुसुईया के लाल भगवान दत्तात्रेय और 24 अवतारों में जिनकी गिनती होती है वो भगवान हैं।